मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुधांशु, वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए क्या है और आज के डेट में बोला जा रहा है कि एनपीए खास करके बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक कैंसर का रूप ले चुका है। तो हम इसमें जानेंगे एनपीए होता क्या है, क्या इसका साइड इम्पैक्ट है, आखिर बैंकिंग इंडस्ट्री से क्यों परेशान है और इसके लिए क्या करेक्टिव मेजर लिया जा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या लिया है और क्या लिया जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। जनरली ये टर्म बैंकिंग से रिलेटेड है। एनपीए बैंक का काम ही है टू लेंड बाय टेकिंग डिपॉजिट, एक से पैसा लेना है दूसरे को देना है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। जब भी कोई लेंडिंग की बात आती है, दूसरे को पैसा देने की बात आती है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रिस्क। रिस्क मीन्स अगर हम किसी को कोई पैसा देते हैं तो उसमें हमेशा कोई ना कोई रिस्क रहता है। तो रिस्क कौन कौन सा रिस्क है? सबसे पहला रहता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब कि आज अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, वो क्या गारंटी है कि आगे चल के फ्यूचर में दे दे। तो इसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बनाया हुआ है कि आखिर किस अकाउंट को वी विल क्लासिफाई एट एनपीए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी आदमी लोन लेता है और 90 डेज तक पेमेंट नहीं किया, पहला कंडीशन, अगर 90 डेज तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों का पेमेंट नहीं करता है। दूसरा क्राइटेरिया स्टॉक स्टेटमेंट, जनरली बिजनेस लोन जो देते हैं बैंक से, उसमें कस्टमर को या बोरोवर्स को स्टॉक का कितना स्टॉक रख रहा है उसके स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करना पड़ता है। तो अगर वह स्टॉक स्टेटमेंट 90 दिन तक नहीं दिया या इस अकाउंट को रिव्यू नहीं किया गया, मीन्स एक बार बैंक दे दिया उसको पेपर में उसका क्या कंडक्ट ऑफ अकाउंट है, उसका रिव्यू 180 डे तक नहीं किया, तो ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक अगर हो जाता है तो उस अकाउंट को आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से एनपीए कर दिया जाता है। फॉर फार्मर्स आरबीआई हैज गिवन सम रिलैक्सेशन। एग्रीकल्चर लोन के लिए अगर आज किसान लोन लेता है, आज से लगातार दो क्रॉप सीजन तक और रिपेमेंट नहीं किया, देन उस अकाउंट को एनपीए मान लिया जाएगा। अब एनपीए होने के बाद भी अकाउंट का कुछ कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे ही अकाउंट एनपीए होता है, सबसे पहले बैंक उसको स्टैंडर्ड कैटेगरी से सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखता है। अगर एक साल तक वो रिपेमेंट नहीं किया इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, तो ये चला जाता है डाउटफुल। डाउटफुल में डाउटफुल वन, डाउटफुल टू, डाउटफुल थ्री होता है। डाउटफुल वन मतलब एक साल तक वो डाउटफुल में रहे, एक साल तक नहीं रिपे करे, फिर एक साल के बाद वो डाउटफुल टू में चला जाता है, फाइनली डाउटफुल थ्री में जाता है और अल्टीमेटली वो बैंक उसको लॉस एसेट मान लेती है। मीन्स अगर आज एनपीए हुआ तो आज से तीन साल के बाद कोई भी अकाउंट डायरेक्ट लॉस में चला जाता है। अब आता है कि आखिर स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल बनाने से बैंक को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बैंक को डुअल लॉस है। डुअल लॉस मीन्स एक तो जैसे ही एनपीए हो जाता है अकाउंट, तो बैंक इज नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन दैट अकाउंट, वो इंटरेस्ट चार्ज करना बंद कर देता है। दूसरा, जितना का अकाउंट एनपीए हुआ डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, जैसे सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस, एक साल, दो साल, तीन साल, उस एज के हिसाब से बैंक को कुछ प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन मीन्स जो उसका प्रॉफिट और लॉस का पैसा आया, उस पैसे से को निकाल करके उस एनपीए के लिए बचा के रखता है प्रोविजन के रूप में। तो बैंक को डुअल लॉस है। इकोनॉमी को क्या, इंडियन इकोनॉमी को क्या लॉस है कि एक जो पैसा सर्कुलेशन में हो रहा था कि कस्टमर पैसा बैंक से लिया, उसको इन्वेस्ट किया, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो रिपेमेंट उस बिजनेस से जो इनकम आया उससे लोन का रिपेमेंट कर रहा था, तो एक जो मनी का सर्कल बना हुआ था, साइकिल बना हुआ था, वो साइकिल कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और जिससे हमारा इंडियन इकोनॉमी भी इफेक्टेड होता है। अभी इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था गवर्नमेंट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंट AMC, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और स्टीयरिंग कमेटी को बनाया है एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए। जानते हैं कि क्या है स्टीयरिंग कमेटी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इससे पहले AMC के बारे में और स्टीयरिंग कमेटी में को जानने से पहले हम जानेंगे
व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ माउंटिंग एनपीए, आखिर मेन रीजन क्या है कि एनपीए डे बाई डे 2012-13 के बाद से लगातार हर एक बैंक का या पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का बढ़ते जा रहा है। तो इसका कुछ रीजन्स है जो कुछ बैंक से रिलेटेड है, कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक से रिलेटेड है और कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी फॉल्ट है। सबसे पहला है प्रोलॉन्ग डाउन टर्न इन वर्ल्ड इकोनॉमी। जो हमारे इंडिया का जीडीपी है वो तो ठीक है बढ़ रहा है, 4%, 7%, 6% मीन्स नियर अबाउट 7 के करीब में ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी में लगभग स्टेग्नेशन आ गया, एवरेज 2-3% के ग्रोथ से पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर डाउन टर्न आएगा तो जो भी सप्लाई है और जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई का कर्व डिस्टर्ब रहेगा। जो हम बनाएंगे अगर उसका मार्केट में डिमांड नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन डाउन होगा, या उसका सप्लाई नहीं होगा फिर भी प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा। तो ये पहला रीजन है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉलिंग कमोडिटी प्राइस, जो भी कमोडिटी हमारे इंडिया में बन रहा है उसका, या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेकर के जो कमोडिटी बना रहे हैं उस कमोडिटी का कोई प्राइस नहीं है फिक्स, वो प्राइस डे बाई डे घटते जा रहा है, आइदर ड्यू टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डंपिंग, सो मेनी रीजन्स। तो कमोडिटी का प्राइस घटने से उस लोन का या जो बोरोवर लोन लिया हुआ है उसका रिपेमेंट नहीं कर पाता। तीसरा रीजन एक बैंक की तरफ से भी है, दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस और एडहेरेंस टू आवर लैंडिंग नॉर्म्स। एक्चुअली सारे जितने भी बैंक्स हैं या जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं सबके पास लैंडिंग का कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स है, कुछ ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर है इन पेपर, बट प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि वो ड्यू डिलीजेंस और लैंडिंग नॉर्म्स ज़्यादातर केसेस में पेपर पे ही रह जाते हैं और प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं किया जाता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीजन दैट हमारा बोरोवर का क्रेडिट असेसमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो भी लोन प्रोसेस करने का या सैंक्शन करने का या मॉनिटरिंग करने का जो प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े अमाउंट में ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बैंक और बोरोवर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी या अदर पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर बैंक किसी फाइनेंस को सैंक्शन कर भी दिया, किसी को पैसा दे भी दिया, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेटिक रीजन के चलते या पॉलिटिकल रीजन के चलते वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया तो बैंक का रिपेमेंट नहीं आ पाता है, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ उसका कैश फ्लो नहीं होगा वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। रेड टेपिज्म इन ब्यूरोक्रेसी, खास करके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जैसे रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, इंडस्ट्रियल सेटअप करना, कहीं इंडस्ट्री का सेटअप करने से पहले लाइसेंस लेना है, कहीं लैंड एक्विजिशन करना है, कहीं इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर लेना है, तो इस सारे जो प्रोसीजर है इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पर्टिकुलरली IAS और गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व रहते हैं, उनके बीच में रेड टेपिज्म लगा हुआ है। रेड टेपिज्म मीन्स उनको प्रोजेक्ट से और बोरोवर से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो अपना पैरामीटर्स है वो पैरामीटर सेट करके रखे हैं। अगर उनके पैरामीटर में जो बोरोवर सेट हो गया या जो कस्टमर सेट हो गया उनका काम निकल जाता है, जो नहीं सेट होता है वो साइड में रह जाते हैं। तो इस रेड टाइपिज्म भी एक मेन रीजन है हमारे NPO को बढ़ाने के लिए। लॉन्ग और डिलेड गेस्टेशन पीरियड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको पैसा मिलने और पैसा जनरेट करने के बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है। जैसे बैंक आज पैसा दिया किसी को रोड बनाने के लिए या कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो बैंक ये मान के देता है कि जो भी हम पैसा दे रहे हैं वो किसी लिमिटेड टाइम में 1 महीना 6 महीना साल भर 2 साल के अंदर में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और प्रोजेक्ट होने के बाद उसमें से कैश जनरेट होगा और कैश से बैंक का रिपेमेंट होगा। लेकिन बैंक का जो एस्टिमेशन या प्रोजेक्शन रहता है कि इतना टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, प्रैक्टिकली उस प्रोजेक्ट का टाइमिंग बैंक के एस्टिमेशन से मैच नहीं करता है, कभी कभी 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो जाता है और कंप्लीट नहीं होता है। तो उस पीरियड को जो बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, मीन्स बैंक से पैसा लेने के बाद कितना दिन के बाद हम उस पैसा से पैसा कमा रहे हैं, या जेस्टेशन पीरियड अगर जस्टिफाइड नहीं रहेगा फिर भी हमारा बैंक का रिपेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक रीजन है NPA को बढ़ाने का।
डिलेज इन लैंड एक्विजिशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन, खास करके जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लैंड का एक्विजिशन करना है, प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में और लैंड एक्वायर करने में गवर्नमेंट को या प्राइवेट बिजनेसमैन को जो एस्टिमेटेड टाइम है, प्रोजेक्टेड टाइम है, जिस एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड टाइम पे वो लोन ले रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, जिसके चलते लोन डिसबर्स होने के बाद भी काम नहीं शुरू हो पाता और लोन क्विक मोर्टेलिटी और एनपीए हो जाता है। कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी है, कहीं कोई भी बैंक, खास करके आजकल जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, कोई लोन नहीं दे रहा है, किसी पॉलिटिकल पर्सन का कॉल आ गया, ये हमारा आदमी है, कोई पीएम का आदमी है, कोई सीएम का आदमी है, कोई एमएलए का आदमी है, इस तरह का बहुत सारा बैंकिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं लूपहोल है, जो पॉलिटिकल पर्सन इसका यूज करते हैं टू गेट देयर पर्सनल बेनिफिट। इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जा करके एनपीओ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एक नज़र रखें, देखें बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या है एनपीए का पोजीशन एज ऑन 17 मीन्स जून 18 तक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.01 ट्रिलियन लेके बैठा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक 552 बिलियन बैठा हुआ है, हालांकि फ्रॉड होने के बाद अमाउंट बढ़ गया, IDBI 445 बिलियन लेके बैठा हुआ, बैंक ऑफ इंडिया 434 बिलियंस, बैंक ऑफ बड़ौदा 416 बिलियन, 380 बिलियंस, कैनरा बैंक, मीन्स अगर हम सबको मिला दें तो नियर अबाउट 9 लाख करोड़ टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए हो चुका है। इस 9 लाख करोड़ में मोर देन 70% जो लोन्स हैं वो कॉरपोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के हैं, जो रिटेल का कंट्रीब्यूशन है, जो छोटे छोटे लोन्स हैं जिसमें फार्मर्स, एग्रीकल्चर्स और एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सब है, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, less than 3%। तो जो मेन एनपीए का इशू है उस कॉरपोरेट सेक्टर का है, छोटे सेक्टर और रिटेल या फार्मर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है। अब एक नज़र डालते हैं गवर्नमेंट ने आखिर अभी तक किया क्या 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 है। ऐसे नहीं है कि एनपीए आज आज पहली बार उभर के आया, कोई नया कंसेप्ट है, एनपीए लंबे समय से आ रहा है और बैंक गवर्नमेंट भी इसको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप्स जब एनपीए का कंसेप्ट आया तो सबसे पहला स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिया कि बैंकिंग लॉ को चेंज किया, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें चेंजिंग करके जो पावर गवर्नमेंट के पास था उस पावर को ट्रांसफर कर दिया आरबीआई के पास, मीन्स आरबीआई को ज़्यादा पावर दिया गया बैंक को, बैंक के लोन को रिकवरी करने का। फिर गवर्नमेंट ने नया स्ट्रिंजेंट एनपीए रिकवरी रूल्स लाए, जैसे सरफेसी एक्ट, डीआरटी एक्ट, कॉम्प्रोमाइज, सो मेनी एक्ट्स, सो दैट बैंक कैन रिकवर द ड्यूज विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्ट। सरफेसी एक्ट में क्या है कि अगर कोई एसेट क्रिएट होता है बैंक के पैसा से, तो बैंक बिना कोर्ट में गए हुए उस प्रॉपर्टी को 60 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में एक्वायर कर सकती है, उसको सेल कर सकती है। फिर आरबीआई एक नया कंसेप्ट लाया लोन, देखा कि सरफेसी रूल तो आ गया, डीआरटी रूल आ गया, कॉम्प्रोमाइज रूल आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सरफेसी लगा दिया, सरफेसी में प्रोसेस बना दिया कि हम किसी भी घाव घर को करोड़ का, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी को सेल करके और अपने ड्यूज को रिकवर कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर्टी सेल ही नहीं होता है, या बहुत सारे उसमें बैरियर्स आ जाते हैं जिसके चलते हम उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाते हैं। तब उसके लिए बाद अल्टरनेटिव एक बैंक ने आरबीआई निकाला, जिसको बोलते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। लोन रीस्ट्रक्चरिंग में निकाला CDR, कॉरपोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉरपोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग लोन लिए हुए हैं उस डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करते हैं, मीन्स अगर वो आज प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दे पा रहा है तो उसको फिर से एक नया लोन दे दो, और लोन दे के ताकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे और उससे कैश फ्लो शुरू हो जाए। दूसरा, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का एक टेक्निक लाया, ज्वाइंट लेंडिंग फर्म। अगर विजय माल्या को केवल SBI देता है तो अकेला वो SBI का 9,000 करोड़ लेके भागता, लेकिन अगर सब बैंक मिलकर दे रहा है, 4 बैंक, 5 बैंक, 10 बैंक मिल के अगर किसी कस्टमर को लोन दे रहा है तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जो अगर एक बैंक का 9,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, अगर 10 बैंक दे रहा है तो 900 करोड़ का लॉस होगा, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग होगा वो प्रॉपर होगा, क्योंकि उसमें सारे बैंक्स के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट को असेस करेंगे, और एक लैंडिंग फोरम बनाया जाएगा, और सब कुछ डिस्कस करने के बाद उसमें एक मेन बैंक या लीडर बैंक रहेगा और फाइनेंस किया जाएगा।
तो ज्वाइंट लैंडिंग फोरम में भी बहुत सारे फाइनेंस हुए। उसके बाद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे उसको 525 एक स्कीम लगाया गया कि इस तरह से कर दो कि जिसका जो बहुत दिन से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है उसको पार्ट पार्ट में बांट दिया जाए, कि पहले 5 साल में वो 25% लोन पे करेगा, फिर अगले साल में 25% करेगा, मीन्स उसके इंस्टॉलमेंट को कम कर दिया जाए, जिससे उसका जो हमारा लोन का ईएमआई है, मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो उसके रीपेमेंट कैपेसिटी या कैश जनरेशन से मैच कर पाए। इस तरह एक लाया SDR मैकेनिज्म, स्ट्रेटजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, जो डेब्ट अगर एक्चुअली एनपीए हुआ है, जेन्युइन रीजन से हुआ है, जैसे फार्मर्स का रेन नहीं हुआ एनपीए हो गया, मानसून नहीं आया, ड्राउट आ गया, कोई प्रोजेक्ट ऐसा रीजन जो ह्यूमन बींग के कंट्रोल में नहीं है या मार्केट के में टोटली मार्केट के कंट्रोल में, उस रीजन से अगर वो एनपीए हो रहा है तो उस डेब्ट को रीस्ट्रक्चर स्ट्रेटजी वाइज प्रॉपर केस को एनालाइज करके उस केस को या उस लोन को रीस्ट्रक्चर कर दे, जिससे वो ज़्यादा टाइम में उसका रिपेमेंट हो और उसका मंथली मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाए। एक लाया S4A, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है, जो ऐसा एसेट जिसमें रिपेमेंट बहुत डिफिकल्ट से आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस एसेट्स को प्रॉपरली एनालाइज करके हम इस तरह से मॉडिफाई करें उसका रिपेमेंट, जिससे वो सस्टेनेबल रिपेमेंट हो जाए। मीन्स ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट यही था कि जो बोरोवर का कैश जनरेट हो रहा है या किसी भी प्रोप्राइटर का, पार्टनर्स का, जो लोनी है उसका कैश जनरेट जो हो रहा है, उस कैश जनरेशन से या उस कैश जनरेशन के उसके कैश जनरेशन का जो मोड है उससे आप अपने रीपेमेंट मोड को मैच कीजिए। जनरली क्या होता है कि बैंक इज आस्किंग फॉर मंथली आफ्टर गेटिंग लोन यू हैव टू पे मंथली सो एंड सो अमाउंट, लेकिन उसको मंथली इनकम नहीं हो रहा है। जैसे हम किसान को दिए और बोले कि तुमको मंथली मंथली 10,000 रुपये पे करना है, लेकिन उसका फसल केवल रबी में हो रहा है या खरीफ में हो रहा है, साल में दो बार ही उसका फसल को बेच पा रहा है, तो मंथली मंथली नहीं पे पा रहा है, नहीं पे कर पाएगा, इट इज ऑब्वियस। तो उस कंडीशन में वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। कॉलेज को लोन देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं, उसमें पता है कि केवल एडमिशन के टाइम में उसका कैश फ्लो होगा, कैश ज़्यादा होगा, बाकी टाइम में एक साल तक वो ड्राई रहेगा। लेकिन उस अकाउंट में भी बहुत सारे बैंक्स या 99% बैंक मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स करते हैं, तो इसके रीजन से भी वो अकाउंट एनपीए हो जाता है, क्योंकि जब बैंक डिमांड करता है तब उसके टाइम कैश नहीं रहता है, और जब उसके पास कैश रहता है तो बैंक डिमांड करने नहीं जाता। तो इसको बोलते हैं S4A, स्कीम एंड सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें गवर्नमेंट के PIB का एक न्यूज आया था कि इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड स्टेयरिंग कमेटी विल बी सेटअप एंड गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ सुनील मेहता पैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुरू से रिकॉर्ड हो गया रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी सेक्टर्स में आता है तो उस प्रॉब्लम को पहले उस डिपार्टमेंट के लोग सॉल्व करते हैं, अगर उससे नहीं सॉल्व हुआ तो उसका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जैसे बैंक का कंट्रोलिंग अथॉरिटी RBI, उससे पूछा जाता है कि हाँ आप कोई सोल्यूशन दो, उससे नहीं सुलझता है, फिर लास्ट सोल्यूशन निकलता है गवर्नमेंट के पास कि मैके कमिटी। तो इस NPA के रिजोल्यूशन के लिए सुनील मेहता के लीडरशिप में एक कमेटी बनाया गया, पैनल बनाया गया, जिसका नाम है सुनील मेहता पैनल। इसके अलावा बैंक बोर्ड ब्यूरो अभी हाल फिलहाल में मोदी गवर्नमेंट में लाया गया, पहले जो भी बैंक के टॉप ऑफिशियल, टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लोग होते थे उनका जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र या अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो करती है। गवर्नमेंट का एक रिसेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सशक्त, जिसमें NPA को रिजॉल्व करने के लिए मेन फोकस दिया गया है। मिशन इंद्रधनुष निकला, इसमें भी पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को NPA से फ्री करके और उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए किया गया। अब देखते हैं कि सुनील मेहता पैनल जो अभी हाल फिलहाल में उनका रिकमेंडेशन आया है, वो रिकमेंडेशन है क्या क्या। मेनली उनका फोकस बड़े लोन पे है, AMC का जो कंसेप्ट है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी,
उनका कहना है सुनील मेहता पैनल का कि जो भी लोन्स 500 करोड़ से ऊपर के हैं पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री, वो सारे 500 करोड़ से ऊपर वाले लोन को, एनपीए लोन को एक इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया जाए और वो एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाएगा और वहाँ से उस लोन का, वो जो भी लोन है उसको रिकवरी करेगा बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। एक एडिक्वेट एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो इसमें एनपीए और स्टैंडर्ड दोनों एसेट्स को बेचा और खरीदा जा सके। जनरली हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रॉपर नहीं है। खास हम सब कुछ हम बेच देते हैं, खरीद देते हैं, लेकिन जो बैंक का एसेट्स है आइदर स्टैंडर्ड और एनपीए, उसको ट्रेड करने के लिए, उसको खरीदने बेचने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिस बैंक का एनपीए ज़्यादा है उसको खरीद ले और उसको बेच दे और नया एसेट कहीं से खरीद ले। जो बैंक कैपिटल क्रंच में है जाए या जो लोन के कमी के चलते लॉस में जा रहा है, वो कहीं से एनपीए एसेट भी कहीं से खरीद ले। इसके लिए हमको कुछ गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा जिससे कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म डेवलप हो पाए और एसेट का ट्रेडिंग हो पाए आइदर एनपीए और स्टैंडर्ड। कंक्रीट प्लान विथ सेपरेट वर्टिकल्स इन ईच बैंक विथ डेडलाइंस, टाइम फ्रेम्स, प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजी एंड एक्शन विथ स्पेसिफाइड पर्सनल फॉर लोन अप टू 50 करोड़। जो भी लोन 50 करोड़ से नीचे के हैं हर एक बैंक्स में, हर एक ब्रांचेज में, उन लोन को रिजॉल्व करने के लिए हर एक बैंक्स में स्पेशलाइज पर्सन कुछ रिक्रूट हों, उनका कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी हो और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपना एक्शन करें, काम करें और एक डेडलाइन फिक्स करें कि हाँ इतना जो भी लोन है 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, एक गिवन टाइम फ्रेम में हमको उसको रिजॉल्व करना है। तो ये 50 करोड़ के नीचे के लिए बैंक वाइज, मीन्स पूरे बैंक पे छोड़ दिया कि आपको 50 करोड़ से नीचे का रिकवर करना है। फॉर एसएमई, जितने भी एसएमई स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन्स हैं, उसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बैंक्स के द्वारा बनाया जाए जो कि एक प्रॉपर स्कीम बनाए, वैलिडेट करे, फॉर्मुलेट करे और उसके लिए एक एडिशनल फंड की व्यवस्था हो जिसके चलते अगर इस किसी इंडस्ट्री को कैपिटल की ज़रूरत है तो उसको कैपिटल दिया जा सके और उसको रनिंग में लाया जा सके। जो पहले गवर्नमेंट का आइडिया था कि बैड बैंक एक बना दिया जाए, उस आइडिया को कंप्लीट सुनील मेहता के पैनल रिजेक्ट किया, उसको डिसफेवर किया और ये आइडिया गलत था। द एबव रिजोल्यूशन विल ऑल्सो एप्लीकेबल टू लार्जर एसेट ऑलरेडी बिफोर एनसीएलटी। जो भी लोन्स या जो भी एनपीए का केसेस एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास चल रहा है, उस लोन के लिए, उस एसेट के लिए भी एबव जो रूल सुनील मेहता पैनल रिकमेंडेशन है वो लागू होना चाहिए। फिर लीगल रिकोर्स हैज़ टू बी मिनिमाइज। जितने भी लोन्स के रिकवरी प्रोसीजर है या लोन के सैंक्शन प्रोसेस है उसमें जो लीगल लिटिगेशंस है, लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उसको मिनिमाइज करके रखना है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बोरोवर लोन लेने से पहले इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो फिर बाद में लोन देने के लायक नहीं रहता। क्रिएशन ऑफ सस्टेन्ड रिपेमेंट कल्चर, एक बैंकिंग इंडस्ट्री में सस्टेनेबल रिपेमेंट कल्चर क्रिएट करना होगा जिससे कि जैसे आजकल क्या है कि बैंक आज लोन दिया और 2 महीना 3 महीने के बाद बोरोवर के पीछे पड़ने लगता है कि भाई तुम केवल अपना क्रिटिकल अमाउंट दे दो। ओवर ड्यू अमाउंट लोग भूल जाते हैं, लोन अमाउंट भूल जाता है, बस क्रिटिकल अमाउंट के पीछे सालों साल तक बोरोवर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं विदाउट एनालाइजिंग देयर प्रोजेक्ट। उसका प्रोजेक्ट में कैश की कमी है या कोई और रीजन से फेल हो रहा है उससे बैंकर्स को मतलब नहीं रहता, बस उनको क्रिटिकल अमाउंट चाहिए और अपना जान बचना चाहिए। तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री से। अगर कोई रिपेमेंट में डिफॉल्ट होता है उसके प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाए, एनालाइज करने के बाद एक सस्टेन्ड रिपेमेंट कल्चर बनाया जाए जिससे कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पे रिपेमेंट हो सके। क्रिएशन ऑफ फियर इन बोरोवर अगेंस्ट डिफॉल्ट एंड मिसयूज ऑफ बैंक लोन्स एंड लेंडिंग एंड रिकवरी मॉनिटरिंग शुड बी इंटीग्रेटेड। जनरली आज के डेट में क्या है, खास करके जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे कल्चर बना हुआ है कि बैंक का लोन ले लो, जिस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस में जैसे धान चावल बढ़ता है वैसे यहाँ पर लोन लेने के लिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोन लेने के बाद नहीं जमा करना है, नहीं भरना है। ये पार्टिकुलरली तमिलनाडु स्टेट में ऐसा होता है कि एक बार लोन ले लो और उसको भरने का नहीं है। तो वैसे बोरोवर के लिए मन में डर पैदा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सम गवर्नमेंट का लॉ होना चाहिए, जो लोग नहीं दे पाए उसके लिए
कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हो जिससे कि लोग बैंक का डिफॉल्ट करने से, बैंक का पैसा मिसयूज करने से डरे। दूसरा, लेंडिंग और रिकवरी और मॉनिटरिंग। एक्चुअली बैंक में जो लेंडिंग पैसा दिया जाता है, देने वाला डिपार्टमेंट डिफरेंट है, रिकवरी करने का डिपार्टमेंट डिफरेंट है, और मॉनिटर करने का डिपार्टमेंट डिफरेंट है, और तीनों डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। देने वाला सोचता है कि जिसको रिकवरी करना है वो जाने, मॉनिटरिंग करने वाला सोचता है कि जो दिया है उसका गलती है, और जो रिकवरी करने वाला वो सोचता है कि पहले वाला जो दिया है उसी के, या मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हुआ इसके चलते अकाउंटेंट पिया। तो ये जो गेम थ्रोइंग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का कल्चर बना हुआ है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक प्रॉपर इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जब हम लेंडिंग कर रहे हैं उस टाइम हम उसका रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स भी देखें, मॉनिटरिंग प्रोस्पेक्ट्स भी देखें, और सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके एक कोऑपरेटिव वे में काम किया जाए जिससे कि हम प्रॉपर बोरोअर का प्रॉपर एनालिसिस कर पाए। और इस तरह से अगर करेंगे तो फिर फ्यूचर में उसका रिपेमेंट नहीं होने का बहुत कम चांसेस रहेगा। कोऑपरेटिव, ट्रांसपेरेंट एंड अप्रूव्ड वर्किंग कल्चर इन बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फेयर क्रेडिट असेसमेंट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स टू द बैंकर। आजकल जो बैंकिंग हुआ उसमें गवर्नमेंट का कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो वर्किंग का कल्चर है उसका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, एसओपी नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसमें पहले पॉलिटिकल अप्रोच आता है कि ये हमारा आदमी है या फलाने पार्टी का आदमी है, इसको कर दो। बिकॉज जो बैंक के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहता है उस पॉलिटिकल पर्सन से, और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उस लोन को प्रोसेस करके दे देते हैं विदाउट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सॉरी देयर प्रोजेक्ट और रिपेमेंट। तो एक कल्चर ख़त्म होना चाहिए बैंक से, जो भी कल्चर है, जो प्रोसेसिंग का कल्चर है या जो लेंडिंग का नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्टली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी पॉलिटिक्स या आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और जो आजकल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना, ये सब जो जबरदस्ती का बैंक पे थोपा जा रहा है, बैंक पे इम्पोज किया जा रहा है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, अटल पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन योजना, ये सब जबरदस्ती का बैंक पे इम्पोज किया जा रहा है, जिससे बैंकिंग अपने बैंकर्स जो हैं अपना मेन एक्टिविटी लेंडिंग और डिपॉजिट रिकवरी मॉनिटरिंग इससे दूर हट के इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके चलते एसेट का क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाता है और अल्टीमेटली अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो इसको गवर्नमेंट का ध्यान देना जरूरी है कि इस एक्टिविटी को या जो फोर्सफुल इम्पोजिशन है इसको कम किया जाए या कंप्लीट किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। 4R का कॉन्सेप्ट भी है, रिकॉग्निशन ऑफ एसेट वैल्यू क्लोज टू एसेट्स क्लोज टू वैल्यू। जो भी हमारा एसेट्स है वो जितना उसका वैल्यू है उतना वैल्यू एक्चुअल एक्टिव एसेस किया या उतना रिकॉग्नाइज किया जाए। ज़्यादातर क्या होता है कि जब किसी को लोन लेना रहता है वो बैंक में आएगा, उसका घर भले ही 5 लाख का हो, इंजीनियर से जाके बोलेगा कि इसको 50 लाख का बना दीजिए। तो लोन देने से पहले किसी भी एसेट्स का वैल्यू 50 लाख रहता है, जैसे ही वो लोन एनपीए हो जाता है फिर वही इंजीनियर या वही वैल्यूअर उस प्रॉपर्टी को घटा के 50 लाख से 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख कर देता है। मीन्स देयर इज सम गैप बिफोर द सेंक्शन ऑफ द लोन एंड आफ्टर द एनपीए ऑफ लोन। तो इसमें एक सुधार लाने की ज़रूरत है कि जो हम एसेट्स का रिकॉग्निशन कर रहे हैं वो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, लोन देने से पहले भी करें और लोन एनपीए हो जाता है उसके बाद भी करें। रिकैपिटलाइजेशन और इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी टू प्रोटेक्ट बैंक कैपिटल। अगर बैंक का कैपिटल क्रंच आ रहा है, कैपिटल पूरा नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइज करना चाहिए बैंक को, उसमें कुछ अपना इक्विटी, अपना कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहिए जिससे कि वो अपना लेंडिंग जो एक्टिविटीज है उसको कंटिन्यू रख पाए। अदरवाइज अगर एनपीए होते जाएगा, सारा कैपिटल उसका प्रोविजन में चला जाएगा, तो बैंक लेंडिंग में भी इंटरेस्ट कम कर देगा या इस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि लोग लोन नहीं ले पाए, और इससे हमारा टोटल इकोनॉमी पैरालाइज हो जाएगा। रेजोल्यूशन बाई सेलिंग ऑफ स्टेट एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट, जो भी हमारा स्ट्रेस एसेट है जैसे जिसमें रिपेमेंट नहीं आ रहा है
उसको बैंक को सेल करना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहिए और उसको रिजॉल्व करना चाहिए। रिफॉर्म टू प्रिवेंट ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था। तो इस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको अकेले बैंक नहीं रिजॉल्व कर सकता। इसको रिजॉल्व करने के लिए बैंकिंग्स कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होता क्या है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता है बैंक के द्वारा, उस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्यू टू सो मेनी रीजंस, और वह प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उस जो इन लोन लिया है कंपनी, उस लोन पे इंटरेस्ट तो चार्ज हो रहा है बट उस इंटरेस्ट चार्ज होने के बदले उसका कैश जनरेट नहीं हो रहा है। एक साइड में उस पे इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ते जा रहा है और दूसरे साइड में उसका कैश नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली वो दोनों तरफ से जाते जाते वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाती है और बैंक उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। तो एक तरफ कंपनी का बैलेंस शीट खराब हुआ और दूसरी तरफ बैंक का बैलेंस शीट खराब हो गया कि 1500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का अकाउंट एक बार एनपीए हो गया। इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है, इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो अगर हम केवल बैंक पे कंट्रोल करें कि नहीं एनपीए को रिकवर कर लो या उस प्रॉपर्टी को सेल करके रिकवर कर लो, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमको दोनों साइड देखना होगा। आखिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें कहाँ पे बैरियर्स है, कौन सा फैक्टर है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उस फैक्टर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और एक टारगेट रखना पड़ेगा कि जो हमारा बैंक का प्रोजेक्शन है, बैंक का जो एस्टिमेशन है कि 1 साल 2 साल के बाद उसमें कैश फ्लो होने लगेगा और वो बैंक का लोन रिपे करेगा, वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, तभी जा करके ये ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। और ट्विन बैलेंस शीट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक मेजर रिफॉर्म लाना पड़ेगा गवर्नेंस में। इसके बाद जो भी ये सुनील मेहता के पैनल का या जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने में भी कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला चैलेंज तो है कि कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बैंक्स में नहीं है, हर एक बैंक्स में डिफरेंट एसओपी है। अगर इवन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोई बैंक फिनेकल यूज करता है, कोई साइबेक्स यूज, कोई इनक्लाइंट यूज करता है, हर एक बैंक्स के पास पास अलग अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर्स, वो भी सारे बैंक्स में अलग अलग है। तो जब तक सारे बैंक्स में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं रहेगा तब तक गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट्स इजीली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीम ट्रेनिंग। बैंक का जो एचआर क्वालिटी है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स का जो एसेट्स है, वो हर एक बैंक टू बैंक वेरी करता है। आप SBI का जो स्टाफ है उस स्टाफ को देना बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है या कोई भी स्कीम तैयार करती है वो सारे बैंक को एक मान के करती है। तो जब तक एक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा, एक प्रॉपर टीम नहीं बनेगा सारे बैंकिंग इंडस्ट्री का, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लेवल का, तब तक वो प्रोजेक्ट इजली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। रिटेंशन ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरलाइन एसेट। जो एसेट्स क्रिएट हो रहा है बैंक के पास, अगर हम उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करने के बाद उसका वैल्यू रिटेन रहे। ऐसा नहीं है कि लोन लेने से पहले उसका वैल्यू 5 करोड़ का रहा है, जब एनपी हुआ तो वैल्यू घट के 2 करोड़ का हो गया, जब उसको सेल किया डाउटफुल में गया तो उसका वैल्यू 1 करोड़ का हो गया, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास गया और वैल्यू 50 लाख का हो गया और करते करते लास्ट में 0 हो गया। जो वैल्यू एक्चुअल में है अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो उसका वैल्यू रिटेन रहेगा। तो गवर्नमेंट को कुछ प्लान बनाना चाहिए जिससे कि किसी भी एसेट्स का वैल्यू रिटेन रह पाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन है फर्स्ट प्रायोरिटी रहना ही चाहिए। ये नहीं है, डे बाई डे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, जॉब नया क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसके चलते इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है। प्रॉपर एजुकेशन ऑफ बोरोवर्स, बोरोवर को प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए जिससे कि वो डिफॉल्ट करने में डरे, उसका डिफॉल्ट होने का या रिपेमेंट नहीं करने का साइड इम्पैक्ट बताना चाहिए बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन, जिससे कोई फ्यूचर में भी डिफॉल्ट करने से बचे। कोऑपरेशन विद जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव,
अगर जो लोन रिकवरी का प्रोसीजर है उसमें कहीं कहीं जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेटिव का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन जनरली देखा जाता है केसेस में जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोऑपरेशन प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। ये चीज़ बंद होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट होना चाहिए जिससे कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव प्रोएक्टिव होकर के जो भी एनपीए का रिजोल्यूशन है उसमें हेल्प करे और बैंक को इस एनपीए क्राइसिस से बाहर लाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।